लेकिन क्विकली एक बार देख लेते हैं कि टाटा स्टील के लिए अब नई खतरे की घंटी कहां से आई है। अंचल हमारे साथ जुड़े हैं। अंचल बताइए। शुक्रिया अमीर। देखिए टाटा स्टील की जो दिक्कतें, स्पेशली टाटा स्टील यूरोप की दिक्कतें कहीं खत्म होती हुई नहीं दिख रही हैं। अब एक नई चिंता ये उठ के आई है कि SFO जो सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है यूके की, उसने जांच बैठाई है कंपनी के ऊपर, और जांच सिर्फ मामूली जांच नहीं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के तहत जांच बैठाई गई है। और इस जांच बैठाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी पे आरोप है जो सर्टिफिकेशन है कंपनी के, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन जो कंपोजिशन के बाद मिलती है, वो फर्जी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के साथ प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं। सो मच सो कि जो SFO है उसने ऑलरेडी कंपनी का जो यॉर्कशायर प्लांट है वहाँ पे जांच शुरू कर दी, और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने गलत फर्जी सर्टिफिकेशन बनाकर प्रोडक्ट्स बेचे हैं। और ये काफ़ी बड़ा डैमेजिंग इम्पैक्ट होता है केवल ब्रांड इमेज पे ही नहीं, क्योंकि टाटा स्टील यूरोप के करीब 500 से ज़्यादा ग्राहक हैं, और अक्रॉस द बोर्ड करीब 11 सेक्टर्स हैं, 11 बड़े सेक्टर्स में कंपनी प्रोडक्ट्स बेचती, तो कहीं ना कहीं 500 से ज़्यादा कंपनियों पे इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। कुछ बड़े नामों की अगर आप बात करें तो BAE और रोल्स रॉयस जैसी कंपनी के रेगुलर क्लाइंट्स हैं और काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हुई दिखेंगी, ऐसा SFO मानता है। इसके अलावा अगर आप देखें कुल 20 प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं जो जांच के घेरे में आए गए हैं, कंपनी के कुल 20 प्रोडक्ट सेगमेंट्स 11 सेक्टर में फैले हुए हैं, तो देखना होगा कि किस तरह से आउटकम आता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक रही बात टाटा स्टील मैनेजमेंट की, तो वहाँ साफ तौर पर टाटा स्टील यूरोप ने कहा है कि कंपनी को फिलहाल SFO की जाँच की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है कंपनी के लिए आगे चल के, ऑलरेडी वहाँ पे लॉसेस पोस्ट कर रही है, ऊपर से जो प्रोडक्ट्स अभी तक बेचे हैं अगर वो स्टैंडर्ड से खराब निकलते हैं, अगर जांच सही साबित होती है तो कंपनी पे फाइन भी लग सकता है। चलिए शुक्रिया अंचल इस तमाम पहलुओं से अगर आप देखें अवगत कराने के लिए, तो टाटा स्टील के लिए अगर आप देखें स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। करीब करीब 320 के स्तर पर काउंटर लगभग 1% नीचे आज इस SFO की जांच की खबर के बाद काउंटर नीचे कारवाई करा 320 के स्तर पे। खैर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स को, इनफैक्ट आशीष मैं अब आपकी राय जानना चाहूँगा, थोड़ा सा बाजार अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है, इस बीच में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। Q4 अर्निंग सीजन, इसकी थीम क्या होगी, कैसा रहेगा ये अर्निंग सीजन दौरान, इसके बाजार कैसे बिहेव करेगा, और सेक्टर्स टू एम्फेसाइज, जिस पर जोर देना चाहिए हमको कि हाँ भाई ये गिरा तो इसको खरीदूंगा और ये उछला तो इसको बेचूंगा, क्या थीम रहेगी Q4? जी थीम बहुत क्रिस्टल क्लियर रहेगी। मैं आपको 3 सेक्टर का क्रिस्टल क्लियर व्यू दे सकता हूँ अभी तक जितना हमने देखा है। बैंकिंग PSU डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा, वहाँ पे आप चाहे IOB देख लो, PNB देख लो, SBI देख लो, हमें लगता है कहीं ना कहीं नेगेटिव सरप्राइज देते हुए दिखेंगे, एंड दैट विल बी अ सेफर शॉट्स। इसके अलावा अगर आप देखो तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर रहेगा जो हम बाय ऑन डिप्स कह रहे हैं कि कोई भी गिरावट आती है ग्लोबल संकेतों के कारण, तो डेफिनेटली गो एंड बाय सीमेंट स्टॉक्स, ये बहुत सेफ प्ले रहेगा। इसके अलावा मिड कैप में बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो हमें लगते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे। ज्वेलरी स्टॉक्स एक और होगा, चाहे वो PC ज्वेलर हो या टाइटन हो, जहां पे हम नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो एंटायर मंथ हैज बीन अ वॉश आउट, और उसके कारण जो वॉल्यूम नेगेटिव सरप्राइज आएंगे और जो मार्जिन पे शायद लॉस भी रिपोर्ट करते हुए दिखे, तो डेट विल बी अनदर एरिया ऑफ कंसर्न। इसके अलावा अगर आप देखो मेटल्स के नंबर्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे, लेकिन वो नंबर्स मैं कहूंगा कि फैब्रिकेटेड है बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन पॉलिसी अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आप चाइना में देखो तो $320 पर टन का इक्विवेलेंट यहां पे $470 पर टन पे मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यूजर इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और वो $150 का जो डिफरेंस चल रहा है दैट इज गोइंग टू हेल्प दीज स्टील कंपनीज, बट मैं फिर भी कहूंगा कि ये नंबर कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड रहेंगे, एंड दिस शुड नॉट बी टेकन एज अ वेरी बिग पॉजिटिव जहां पे आपको सरप्राइज देखने को मिलेंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक जैसा मैं कह रहा था कि मिड कैप डेफिनेटली दे विल बी वेरी विनर्स। एब्सोल्युटली। चलिए आशीष बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सिमी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन रोज हम आपके लिए एक ऐसा शेयर लेकर आते हैं जो आपके बजट में होता है, यानी कीमत कम होती है लेकिन मुनाफा अच्छा होता है, आज भी है। चलिए देखते हैं कौन सा है। सुमित शुक्रिया मेहर। आज जिस शेयर को हम चुन के लाए हैं वो पाइप स्पेस से, यानी मेटल स्पेस से है। मार इंडस्ट्रीज को चुना गया है, कंपनी पाइप कारोबार के अंदर है। रिसेंटली इस शेयर में बहुत करेक्शन देखने को मिली है, हायर लेवल से करीब 48 यानी 50% मोर लेस से नीचे आ चुका है अपने हायर लेवल से। पिछले क्वार्टर के अगर नंबर देखें तो करीब मुनाफे में 800 से 900% के आसपास का एक उछाल देखने को मिला था, और ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, करीब 300-400% के आसपास का उछाल वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऑपरेशनली भी अच्छा कर रही कंपनी, और बॉटम लाइन भी जो अदर इनकम की वजह से
भी नंबर्स में ठीक ठाक सुधार देखने को मिला था। लगातार कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट कर रही है, कंपनी पे डेट है लेकिन कैश भी पर्याप्त है जिससे कंपनी अपने डेट को इजीली यहाँ पे सोर्स करते हुए दिखाई पड़ रही है। उसके अलावा कंपनी एक बेहतर डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार 1 से 1.5 रुपए के आसपास डिविडेंड दे रही है, 2 से 2.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बनते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखिए तो करीब करीब 16-16.5 रुपए के आसपास की कैश ईपीएस है और नॉर्मल ईपीएस की बात करें 17 रुपए की ईपीएस और महज 3 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि इस सेक्टर में ज्यादातर जो शेयर हैं वो करीब 12-15-17 तक के मल्टीपल पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिन रिपोर्ट्स को हमने रिफर किया कि ज्यादातर सभी रिपोर्टों का जो लक्ष्य है वो 150 रुपए, 120 रुपए, 140 रुपए, 110 रुपए तक भी दे रहे हैं, इसलिए कंसेंसस मोरलेस जो आ रहा है वो 120 रुपए के टारगेट्स के लिए आ रहा है। एक केआर चौकसी की रिपोर्ट को रिफर किया गया, करीब 151 रुपए के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं। जी हाँ।